हर घर में जाएंगे, हर घर में जाके उनसे पूछेंगे आपके घर में 45 साल से ऊपर की उम्र के कौन है। उनके पास वोटर लिस्ट भी होगी, वोटर लिस्ट से भी पता चल जाता है 45 साल से ऊपर के कौन है। लेकिन मान लीजिए किसी का वोट नहीं भी बना हुआ तो उस बूथ में आने वाले सभी घरों को कवर किया जाएगा। हर घर में जाके पूछेंगे आपके घर में 45 साल से ऊपर के कौन है, क्या उनको वैक्सीन लग चुका है। अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगा है तो वो उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने का स्लॉट दे के आएंगे कि आप पोलिंग स्टेशन पे इतने बजे आके अपना वैक्सीन लगवा लीजिएगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग स्लॉट्स मिलते जाएंगे। जो लोग बिल्कुल ही मना कर देंगे कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको बैठ के मनाने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन लगवा लीजिए, कोरोना के खिलाफ यही एक इफेक्टिव उपाय है। और केवल बूथ लेवल ऑफिसर्स नहीं जा रहे, इसमें टीम बनाई जा रही है, तीन दो दो तीन तीन लोगों की, हर बूथ लेवल ऑफिसर के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी लगाया जा रहा है। तो दो दो तीन तीन लोगों की टीम जाएगी हर एक के घर पे और उनको स्लॉट्स दे के आएगी। तो आज बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है, कल ये लोग अपने अपने बूथ पे जाएंगे, घर घर में जाएंगे और परसों के स्लॉट्स दे के आएंगे, परसों भी जाएंगे, अगले दिन के स्लॉट्स। दो दिन बूथ लेवल ऑफिसर्स घूम के अपना बूथ कंप्लीट कर देंगे और ये वाले दो दिन के अंदर, अगले दो दिन के अंदर वो उनको वैक्सीनेशन लगेगा। फिर हम ये देखेंगे कि जिन जिन को हमने स्लॉट्स दिया था वो सब वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए कि नहीं आए। जो जो लोग नहीं आए उनके घर में दोबारा जाएंगे, दो राउंड लगेंगे, उनके घर में दोबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि प्लीज आइए वैक्सीन लगवाइए, और अगले दो दिन उनके घर में भी कंप्लीट किया जाएगा। तो पांच दिन की साइकिल, 70 वार्ड में 5 दिन की साइकिल ये चलेगी और फिर अगले हफ्ते फिर अगले 70 वार्ड के अंदर। तो इस तरह से ये पूरी दिल्ली को एक साथ कारपेट उसकी तरह कवर करने का पूरा प्लान बनाया गया है। 4 हफ्ते के बाद हम आधिकारिक तौर पे कह पाएंगे कि दिल्ली में जो जो लोग 45 साल की उम्र के ऊपर वैक्सीन लगवाना चाहते थे हमने उनके घर जा जाके उनको इनवाइट करके वैक्सीन लगा दिए। जो जो लोग आना चाहेंगे हमने खूब सारी ई रिक्शा का इंतजाम किया है, लोगों को घरों से वैक्सीनेशन सेंटर तक, पोलिंग सेंटर तक लाने के लिए ई रिक्शा का पूरी दिल्ली में इंतजाम कर रहे हैं। जो जो लोग आना चाहेंगे उनको उनके ई रिक्शा के जरिए उनको लाया जा सकता है। तो ये एक तरह से 4 हफ्ते में हम ये कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके बाद 3 महीने बाद जो भी केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन है कि अगली वैक्सीन जब भी लगनी है, तो 2 महीने 3 महीने बाद एक ये दूसरा राउंड दोबारा इसी तरह से पोलिंग सेंटर के ऊपर चलाएंगे और दूसरी वैक्सीन भी इसी तरह से 1 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को लगा देंगे। जब हमारे पास 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी तो इसी तरह से 2 राउंड करके, पूरी दिल्ली के 2 राउंड करके 2 महीने के अंदर हम 18 से 44 साल की उम्र के बच्चों को, लोगों को भी, युवाओं को भी हम वैक्सीन लगा देंगे। तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, कल से बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे, उनकी टीम आपके घर पे आएगी और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबसे अपील है जब वो आपके घर में आए आप उनका स्वागत भी कीजिएगा और बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं। नमस्कार। सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस अमल को किया जाना है और खास तौर पर अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको घर घर जाकर, बूथ पर जाकर एक तरीके से वैक्सीनेशन किया जाएगा। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमने देखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार बेदार नजर आ रही है, लोगों को बेदार करने की कोशिश की जा रही है, और इसी सिमत में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि घर घर जाकर हर एक किसी को जो वैक्सीनेशन का अमल है वो ज़रूर कराया जाए। और क्योंकि आज से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अनलॉक का अमल भी शुरू हो रहा है
और जिसके सबब बाजारों में जो भीड़ है थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसीलिए अजीज सलाम आप तमाम नाज़रीन से अपील करता है, गुजारिश करता है कि आप अपने जो ज़रूरी काम है वो बहुत एहतियात के साथ निपटाएं, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ दें, तमाम नियम और ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए आपसे बार बार ये अपील की जा रही है कि आप अनलॉक भले ही हुआ है लेकिन जो कोविड गाइडलाइंस को लेकर ज़ाब्ते जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई है, उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। लेकिन जहां आपने वोट डाला है वहीं पर आपकी वैक्सीन लगेगी, ये बात की जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि स्लॉट देने वाले वॉलंटियर की टीम आपको घर घर जाएगी और बताएगी कि यहाँ पर आप आइएगा, और जो लोग आने के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि नहीं पहुँचने में उनको दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ता है तो उनके लिए ई रिक्शा का भी इंतज़ाम केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर स्लॉट देने वाले वॉलंटियर की टीम को घर घर जाने की बात कही है। वैक्सीनेशन सेंटर तक ई रिक्शा से आ सकेंगे, ये बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी है।